जहाँ न्यू जैसा अपडेट टिकट ऑन लिया। एसोस जेनफोन 5Z। नया अपडेट एसोस ने जेनफोन 5Z के अंदर दे दिया है एंड्रॉयड 10। लेट्स चेक करते हैं क्या है इसमें नया फीचर और क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ एक मिनट, पहले तो आप लोगों को दिखा देते हैं इसका ये न्यू सिस्टम अपडेट हैज़ बीन इंस्टॉल, रिबूट नाउ, अपग्रेड सिस्टम। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इसको, तो वो मैं पढ़ के दिखा बता रहा हूँ इसमें क्या क्या इसमें नया आया है। अपग्रेड सिस्टम टू एंड्रॉयड 10, सपोर्ट गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, मूव थीम्स एंड मोबाइल मैनेजर टू एडवांस सेटिंग। फोर्थ में है रिमूव पेज मार्कर, जेनी मोजी, सेल्फी मास्टर, ब्यूटी लाइफ, किड्स मोड, इजी मोड, वेदर एनिमेशन सेटिंग, एआई चार्जिंग, वेब स्टोर, गो टू पे, रिपोर्ट लोकेशन इन सेफ गार्ड एंड इंडेक्स क्लाउड ऑप्शन इन फाइल मैनेजर। ये जितनी सारी चीज़ें इसको रिमूव कर दिया गया है, जेन इमोजी हो गया, सेल्फी मास्टर हो गया, ब्यूटी लाइव हो गया, किड्स मोड हो गया, इजी मोड हो गया, सबको रिमूव। ट्विन ऐप सपोर्ट, अच्छा ट्विन ऐप जो है एप्लीकेशन जो था इसमें पहले देता था वो भी हटा दिया है, और वो किसके किसके लिए हटाया है, एरेना ऑफ वेलोरा, पबजी, वेंगलोरी, इनजस्टिस 2 एंड शॉपी। सम थर्ड पार्टी एप्स आर नॉट कंपेटेबल विथ एंड्रॉयड 10 येट। अच्छा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो भी अब इसमें ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करेगा, बहुत सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। प्लीज़ बैकअप योर डाटा बिफोर अपग्रेडिंग टू एंड्रॉयड 10, अपना डाटा बैकअप कर लें एंड्रॉयड 10 में जाने के लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनग्रेड योर डिवाइस सॉफ्टवेयर वर्जन टू एंड्रॉयड 9, अगर आपको 10 से 9 में आना चाहते हैं आप, तो सारा डाटा को बैकअप कर लीजिए आप। बाय व्हेन वुड यू लाइक टू रिसीव ए रिमाइंडर। चलिए अब देखते हैं इसकी क्या क्या खासियत है और क्या क्या डिमेरिट है। पहले चलते हैं सेटिंग में, सेटिंग को ऊपर से देखते हैं। अच्छा इसका एनिमेशन बड़ा सॉलिड टाइप का हो गया है, यहाँ गोल गोल टाइप का, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। कनेक्शन डिवाइस हो गया है, मैंने ऑलरेडी इसमें एक बहुत सारा चीज़ इसमें कर रखा है मैंने, इसमें कोई कनेक्टिंग डिवाइस में भी कोई ख़ास नहीं है। ऐप नोटिफिकेशन में भी वैसे ही नॉर्मल है, साउंड में, स्टोरेज, ये सब नॉर्मल जैसे था वैसे है। एनिमेशन सिर्फ चेंज कर दिया गया है। डिस्प्ले में देखते हैं क्या क्या, ब्राइटनेस लेवल, एडेप्टिंग ब्राइटनेस, नाइट लाइट का एक ऑप्शन आया है, वो नाइट लाइट का ऑप्शन है तो वो कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, वो उस टाइप का पहले भी ऑप्शन था इसके में, ये है। उसके बाद आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन, ये है स्लीप ऑटो रोटेशन स्क्रीन सिस्टम कलर, ये सबसे तगड़ी चीज़ अभी हमको इसमें लगी है, ये नाइट मोड, ये जो जो मोबाइल में जो नाइट जो थीम आ गया है वो सॉलिड, सबसे ज़्यादा सॉलिड है सिस्टम कलर थीम्स। इसको नाइट कर दीजिए, नाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ये बहुत सॉलिड चीज़ कर दिया है ये। अभी नॉर्मल में रखते हैं। डिस्प्ले साइज़ है, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट स्टाइल ऐप इसका, हाइट नोच कर रहे हैं, हाइट नोच में थोड़ा सा पंगा आ रहा है ऊपर में, आप लोग देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड में थोड़ा कोना कट रहा है इसका, तो वो देखने में सही नहीं लग रहा है, इसलिए इसको नॉर्मल रखते हैं। सिस्टम नेविगेशन में है, गेस्चर नेविगेशन, स्वैप अप, गेस्चर नेविगेशन, स्वैप अप ऑन होम बटन, ये नॉर्मल सब अच्छा अच्छा निकाल, बढ़िया बढ़िया दे दिया बहुत सारा इसमें, ये तो मैं रखता हूँ। स्वैप अप, गेस्चर नेविगेशन, स्वैप अप ऑन होम बटन, ये अभी नया आया, ये नेविगेशन बार इसमें एक नया दिया है अभी, बहुत सॉलिड बहुत सॉलिड, ये नया वाला फ़िलहाल रख लेते हैं। आप लिफ्ट टू चेक फ़ोन, ये सब तो है, स्क्रीन ऑन है, लिफ्ट टू चेक फ़ोन में है कि आप फ़ोन को उठाइएगा ऐसे करके तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो ऑटोमेटिक खुल, स्क्रीन इसका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, एलईडी इंडिकेटर। अब चलते हैं डिस्प्ले थीम्स एंड थीम्स में नॉर्मल है, प्राइवेसी है, प्राइवेसी परमिशन शो पासवर्ड, ये है नॉर्मल है। लोकेशन है, सिक्योरिटी है, एडवांस में क्या है, मोबाइल मैनेजर, गेम जीनी, ट्विन ऐप अभी है लेकिन ट्विन ऐप नॉर्मल, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए है, अभी बहुत सारे एप्लीकेशन जो वहाँ पे लिख रहा था पबजी एरेना ये सब के लिए नहीं था, ये सब और बहुत सारे चीज़ के लिए है। सेफ गार्ड, गेस्चर है, गेस्चर में है वो सब, फिंगर गेस्चर है, स्क्रीन, हाँ सबसे तगड़ी चीज़ इसमें जो अभी हम कर रहे हैं अपने मोबाइल में वो इसमें नहीं थी, वो हमको ये दो चीज़ जो है हमको बहुत सॉरी लगा, एक तो नाइट मोड बढ़िया लगा और ये स्क्रीन रिकॉर्डर जो अभी चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर में आप कर सकते हैं रिजोल्यूशन 1080p पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी हाई, स्टोरेज लोकेशन ओरिएंट, रिकॉर्ड ऑडियो, आप रिकॉर्ड ऑडियो इसमें है, माइक्रोफोन का दे सकते हैं जो ऑलरेडी अभी मेरा चल रहा है, इंटरनल ऑडियो जो मोबाइल में आप जो चीज़ रिकॉर्ड कीजिएगा वो इंटरनल वीडियो हो गया, नैन में नैन हो जाएगा।
काउंटडाउन बिफोर रिकॉर्डिंग 5 सेकंड का मैंने दिया है, 3 सेकंड है, 10 सेकंड है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग इमीडिएटली व्हेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज टर्न ऑन। अच्छा, तो छोटा जो ब्लॉक ये सब ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है इसका फीचर। पॉकेट मोड, ग्लव मोड, ये सब तो पहले से है। अकाउंट है, क्या क्या है, एक्सेसिबिलिटी है, डिजिटल वेल वार्मिंग, गूगल सिस्टम, सिस्टम में चलते हैं, एंड अबाउट में चलते हैं। ये है एंड्रॉयड 10, बड़ा खूबसूरत है यार, बड़ा सॉलिड है ये तो। ऐसे रखते हैं इसको, ऐसे ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सॉलिड है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो आपका है नवंबर 5, 2019 का चल रहा है। सॉफ्टवेयर इन्फो बेसमेंट कर्नल वर्जन बिल्ड नंबर 80C WWW 100044498। ये है इसका सिस्टम अपडेट में देते हैं तो अभी तो ऑलरेडी अपडेट है तो ये अपडेट आएगा नहीं। अच्छा काम किया है ASUS ZenFone, बहुत सॉलिड काम किया है, लास्ट दिल खुश कर दिया है। ये हो गया, अब देखिए ये सिस्टम, ये सिस्टम है, पहले स्लाइड करने का होता था साइड से, अब ये दे दिया है स्टॉक एंड्रॉयड की तरह। जैसे स्टॉक एंड्रॉयड में कैसे आता है वो गूगल वन में, उसी टाइप का आ रहा है इसमें। बहुत कैमरे में कोई चेंजिंग नहीं किया है, कैमरा नॉर्मल है, कैमरे में नॉर्मल सब। ऑटो प्रो जीप स्लोमो गूगल लेंस ब्यूटी सुपर जरा पैनोरामा टाइम लैप्स, ये नॉर्मल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अभी तक मुझे कोई चेंजिंग नहीं दिखी है, बट खोज रहे हैं कि कुछ चेंजिंग मिल जाए, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। बहुत सॉलिड कर दिया है, बहुत सॉलिड है, क्या दिखाया जाए। अब सेटिंग तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, और जैसे ही नया कुछ इसमें आता है आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, जैसा ही इसमें नया कुछ आएगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे।